और दूसरे मिनट में रिसर्च जाता है कितना, 4 मिनट। पहले मिनट 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट 4 मीटर रिसर्च जाता है। क्या गलत है, सही है? सही। अब क्या कह रहे जी, बात क्लियर है? कि 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर रिसर्च जाता है, तो हमेशा ऐसा ही होगा कि पहली बारी में चढ़ेगा तो पहले मिनट 6 मीटर, फिर अगले मिनट में उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा। तो एक बार इन दोनों की बारी आ जाए, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, उसमें कितने मिनट चाहिए भाई? 2 मिनट। इस 2 मिनट का मतलब जब एक बार इसकी भी बारी आ जाए और एक बार इसकी, मेरी बात समझ पा रहे? दोनों की एक बार बारी आ जाए, आखिरी में बच्चे क्लियर है? अगर दोनों की एक बार बारी आ रही है तो 2 मिनट का टाइम लगता है और चढ़ कितना पाएंगे? 2 मीटर। जो चढ़ाना कितना है? 100। तो कितना चक्कर लगवा दे? 50। 50 × 100। तो ये बताओ 50वें चक्कर में शुरुआत में बारी किसकी आएगी, चढ़ने या उतरने की? चढ़ने की। तो 3 मीटर चढ़ना, 6 मीटर चढ़ा होगा, फिर बारी आई होगी किसकी? उतरने की। तो 4 मीटर फिसलन होगा नीचे, और फिसलने के बाद कितना बचा? 100। तो इसका मतलब पहले से कितना चढ़ चुका होगा? 100 चुका। अरे बोलो, मैं चलो ठीक समझाता हूँ। 50 चक्कर अगर हम लगवाते हैं तो 50वें चक्कर के आखिरी में बारी आती है फिसलने की। शुरुआत में चढ़ा होगा 6 मीटर, फिर 4 मीटर फिसला होगा, फिसल के बचा कितना है? 100 मीटर। तो इसका मतलब पहले 104 चढ़ा होगा, तभी तो 4 फिसल के 100 बचा। अरे बोलो, तो क्या सही होगा ये चक्कर या गलत? क्योंकि हमें तो ये देखना कि पहली बार 100 मीटर कब चढ़ेगा, उसका नीचे फिसले ऊपर जाए कोई मतलब नहीं, हमें देखना पहली बार 100 मीटर। तो ये सही है गलत है वो चुप करा। 48 चक्कर हुआ, 49 × 49 = 98 अगर 49 × 98 है, 49 × 98 तो मतलब 49 चक्कर लगवाए, 49वें चक्कर के आखिरी में बारी किसकी हुई? 49वें चक्कर की शुरुआत हुई होगी चढ़ने से, तो एंड हुआ होगा फिसलने से। तो कितना फिसला होगा? 4 मीटर, और 4 मीटर फिसल के कितना बचा? यानी पहले से कितना चढ़ चुका होगा? 102, तभी तो 4 फिसल के 98 रह गया। बोलो यार, अब देखिए 49 की जगह 48 चक्कर लगवाऊंगा, तो एक चक्कर में 2 मिनट लगते हैं, यानी 2 मीटर चढ़ जाता है, तो 48 चक्कर लगवाऊंगा तो 48 चक्कर में कितना चढ़ लेगा? 96। लेकिन 48वें चक्कर की शुरुआत होगी चढ़ने से, लेकिन एंड होगा फिसलने से, हाँ, तो कितना फिसला होगा? 4 मीटर, और 4 मीटर फिसल के कितना बच गया? 96, यानी 100 मीटर तो पहले चढ़ चुका है, हाँ है ना? तो चक्कर लगेंगे इसमें 47। और हमेशा ध्यान रखना, इतने चक्कर लगवाने हैं कि जो रिजल्ट है उसके और इसके बीच का डिफरेंस हमेशा माइनस वाली टर्म से बड़ा है, माइनस वाली टर्म से बड़ा है, ताकि वो फिसल के उतना ना बचे, ठीक है? तो 47 लगवाएंगे तो 47 × 94, बात क्लियर है ना? तो 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ जाएगा पक्का। अब 47 चक्कर पूरे, अब 48वें चक्कर की शुरुआत होगी किससे? चढ़ने से, और वो 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 6 मीटर, और हो गया 100 × 6, तो कितना टाइम लगा? 4 मिनट। उतार हमेशा इतने चक्कर लगवाई कि माइनस वाले से बड़ा डिफरेंस है।